प्राथमिक विद्यालय दुकसान हाथरस में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विद्यालय के समस्त अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा भक्ति गीतों पर नृत्य पेश किया गया व अनेक नाटक प्रस्तुत कर अपने देश के प्रति अपने प्यार व प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस राष्ट्रीय पर्व पर विद्यालय की मुख्याध्यापिका रेखा रानी, ज्योत्सना शर्मा, वेदांशी शर्मा, चोला सुनीता शर्मा, श्री कृष्ण, अतिरिक्त प्रधान मुकेश कुमार, पीताम्बर सिंह व अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने ध्वजारोहण किया और उत्सव में अपना बहुमूल्य समय देकर भरपूर सहयोग दिया। हाथरस से दिल्ली ग्लो न्यूज की रिपोर्ट। आज हमारे संपूर्ण भारत देश में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके हमारे देश को गणतंत्र की व्यवस्था के रूप में देखने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, मगर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके गणतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई। इसी दिन को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष सरकारी गैर सरकारी और स्कूलों कॉलेजों में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आपके विद्यालय की तरफ से क्या मतलब हो रही प्राथमिकता का? हमारी प्रधानाध्यापक महोदय की कठिन हमारे स्टाफ की ने भी बहुत कठिन मेहनत की, जिसलिए बच्चों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को उजागर किया और यह दिन भारतीय के लिए बहुत गर्व और अभिमान का दिन है, जिसमें बच्चों ने दीपावली रे छाले रे देश देशभक्ति और क्या बोलते हैं कार्यक्रम। हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया और अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया और मनोहर वातावरण कर दिया। आज बसंत पंचमी का भी उत्सव मनाया गया। गणतंत्र दिवस के साथ बसंत पंचमी का भी प्रोग्राम है विद्यालय में रखा गया और बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। ठीक।